जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्मा लाइफ पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राशि। बताऊंगी आपको आपका दिन कैसा बीतेगा, क्या कुछ होगा खास, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले, जिन लोगों का आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ूं उससे पहले हमारे व्यूअर का सवाल क्या था ये जल्दी से बता देती हूँ, जो आज मैं शामिल करने वाली हूँ। तो उन्होंने पूछा था कि पंचक के दौरान, जो कि 13 तारीख से शुरू होने वाली है, मैं आपको बता दूं कि हर महीने 5 दिनों के लिए पंचक लगता है। तो इस मंथ में, मई महीने में 13 तारीख से 17 तारीख तक पंचक है। तो व्यूअर का सवाल था हमारे कि पंचक में कौन सी दिशा में ट्रेवल नहीं करना चाहिए और क्यों। तो इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी, लेकिन पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। ये तो हमने जाना कि आज का पंचांग क्या है, अब बारी आपके राशिफल की। शुरुआत करेंगे पहली राशि के साथ, मेष राशि। आज का दिन बहुत ही खुशगवार गुजरेगा, आज बहुत सारी खुशियां रहेंगी। हालांकि पारिवारिक जीवन को लेकर थोड़े बहुत चिंतित रहेंगे आप, लेकिन फिर भी चीजें आपकी बैलेंस आउट हो जाएंगी, यानी कि ज्यादा परेशानियां नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना है, यात्रा के दौरान सावधानी बरतिएगा, और अगर ज्यादा जरूरी नहीं तो आज के दिन लंबी यात्राओं से परहेज करें। स्टूडेंट्स को आज के दिन बोली का बस ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी चीजों के मामले में दिन ठीक रहेगा। महा उपाय, दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, आज कोशिश करें कि आप हल्दी का टीका माथे पर जरूर लगाएं। लकी कलर आपके लिए आज है रेड। लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृषभ राशि। आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। जॉब करते हैं आप, बिजनेस करते हैं, तो वहां पे कोई आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है। वहीं आज के दिन रिश्तों में मजबूती आएगी, कोई आपका अपना आज आपको दिल से सराहेगा, आपकी परेशानियों को पूछेगा। पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी मिलने के भी आपके आसार दिख रहे हैं, उससे जुड़ी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। इम्पेशेंट होने से बचना है गृहिणियों को, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। सेहत के लिहाज से आज के दिन कमर के नीचे कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, पैसे के मामले में दिन शुभ रहेगा। महा उपाय, बहुत अच्छा दिन को बनाना चाहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए। लकी कलर आपके लिए आज है येलो। लकी नंबर की बात करूं वो है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए दिन आज ठीक ठाक है, कह सकते हैं। काम में बहुत ज्यादा तनाव है, आज बहुत टेंशन है। पारिवारिक जीवन में किसी और की सेहत या किसी आपके अपने की परेशानियां आपको परेशान करने वाली हैं। धन के लिहाज से किसी ऐसी चीज पर जिस पर आपने सोचा भी नहीं था, आज बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो सकता है। सेहत में भी आज थोड़े बहुत बदलाव आपको दिखाई देंगे। ओवरऑल मिथुन राशि वालों को बहुत ही संभल के रहने की जरूरत है। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, या कहीं आप स्टूडेंट है, किसी कॉलेज के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, तो उससे रिलेटेड आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपके लिए महा उपाय, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं आज दिन को, तो करना क्या है, लड़कियों को पीले रंग की कोई चीज खिलाइए, मिठाई या फिर आप नमकीन चीजें, पीले रंग की चीज जरूर खिलाइए। आपके लिए लकी कलर आज ऑरेंज है। लकी नंबर की बात करूं है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कर्क राशि। कर्क राशि वालों को आज के दिन काम में मन लगेगा, काम से जुड़ी कोई आपको अच्छी जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी जो काम आप करना चाहते थे वही काम आपको आज मिलने वाला है। व्यापार के मामले में आज आपकी सूझबूझ से आप कोई अच्छी डील क्रैक करने वाले हैं, आप बहुत अच्छे कस्टमर्स बनाने वाले हैं। सेहत के लिहाज से भी आज के दिन कर्क राशि वालों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हालांकि मनस्थिति थोड़ी आपकी उथल पुथल हो सकती है, मेंटल हेल्थ आज आपका ठीक नहीं रहेगा। मैरिड लोगों को पार्टनर से भिड़ने से बचना है, क्योंकि आज उनकी बातें बड़ा इरिटेट करने वाली हैं आपको। घर परिवार के लिए कोई नई चीज, कोई खास चीज ला सकते हैं। वहीं आज के दिन आप जो है अपने लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंज लेकर आने वाले हैं। महा उपाय, दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज करना क्या है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का 11 बार सुबह सुबह उच्चारण करें। लकी कलर आपके लिए आज है व्हाइट। लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए दिन आज अच्छा रहने वाला है। आज के दिन काम में तो मन लगेगा ही, साथ ही साथ काम के बाद भी आज अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ या आप अपने सीनियर्स या बॉस के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं, गप्पे लड़ा सकते हैं। फैमिली में आज के दिन कोई मेहमान आ सकता है। जो अनमैरिड हैं, आज आपके घर वाले आपको शादी के लिए फोर्स कर सकते हैं। वहीं मैरिड लोग अपने फ्यूचर प्लानिंग जो है करते हुए नजर आएंगे। सेहत और धन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सा टफ है, कोशिश करें कि हेल्थ में कोई भी चेंज दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। पैसे के मामले में उधार देने से बचना है। महा उपाय, दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज क्या करना है, किसी जरूरतमंद को पीले रंग की चीज आप दान में दीजिए। लकी कलर आपके लिए आज है
व्हाइट लकी नंबर की बात करूं है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कन्या राशि वालों के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। आज के दिन काम में आपका मन लगेगा, साथ ही साथ कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है। काम से जुड़ी यात्राएं हैं आपके योग में। परिवार में किसी की सेहत खराब थी तो सेहत ठीक हो जाएगी। आज के दिन बॉडी के राइट साइड में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। वहीं आज आपको पैसे के मामले में भी सचेत रहना है, पैसा ज्यादा खर्चा हो सकता है। सेहत के लिहाज से आपको, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीजें आपको आज अपनी स्किन से रिलेटेड भी दिखाई देने वाली है। महा उपाय, दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो करना क्या है, आज के दिन कोशिश करें कि बड़ों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए आज है गोल्डन। लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तुला राशि वालों के लिए दिन आज मिला जुला रहेगा। काम से ज्यादा आप तनाव अपने निजी जीवन का लेने वाले हैं, भाग्य उतना ज्यादा साथ नहीं देगा। वहीं आज के दिन आपके रखरखाव को लेकर भी आपके परिवार वाले आप पे गुस्सा कर सकते हैं। मैरिड लोग आज पार्टनर की फैमिली यानी आपके इन लॉज की परेशानियों की वजह से आप थोड़े से टेंशन में रहेंगे, सेहत का ध्यान दीजिएगा। महा उपाय, दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु जी की पूजा जरूर करें। लकी कलर आपके लिए आज है रेड। लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृश्चिक राशि, गोल गोल बातें करना आज आपके लिए अच्छा है। हालांकि गुस्सा तेज रहेगा तो गुस्से पे कंट्रोल रखें, भाग्य का साथ तो मिलेगा ही, लेकिन परिवार में कोई आज आपसे जो है नाराज हो सकता है, नाखुश हो सकता है, तो उन्हें मनाने की कोशिश करें। आपके घर में आज धार्मिक कार्यों की अधिकता देखी जाएगी। वहीं आज पूरे परिवार के साथ कहीं फंक्शन में आप शिरकत कर सकते हैं, पार्टी वगैरह में जा सकते हैं। सेहत के लिहाज से देखा जाए तो पैरों से जुड़ी दिक्कतें आने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। और पैसे के मामले में हाथ खोलकर खर्च करने से बचिएगा। महा उपाय, दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। लकी कलर आपके लिए आज है ग्रीन। लकी नंबर की बात करूं है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। धनुराशि वालों के लिए आज दिन मिला जुला रहेगा। काम आपका ठीक ठाक चलेगा, लेकिन निजी जीवन में आज परेशानियां बढ़ सकती हैं। हो सकता है किसी को आपका तौर तरीका या आपकी बातें पसंद ना आए और ये बहुत लंबी चौड़ी है, छोटी सी चीज खिंच जाएगी, तो कोशिश क्या करना है, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें। आज के दिन किसी से भी अपनी सीक्रेट बातें शेयर करने से बचिएगा, क्योंकि राज के खुलने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ सेहत के मामले में जिन भी लोगों की पहले से कोई सर्जरी हो रखी है, ध्यान दें, पैसा आज आपके पास ठीक ठाक है। महा उपाय, दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, गुरु का या उनका जिनको आप मानते हैं, जिनकी बातों से आपके जीवन में बदलाव आता है, प्रभाव पड़ता है, गुरु का आशीर्वाद लीजिए। लकी कलर आपके लिए आज है येलो। लकी नंबर की बात करूं है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक है, कह सकते हैं काम जो आपका अटका हुआ था, फंसा हुआ था, वो हो जाएगा। साथ ही साथ बिजनेस में आज के दिन आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हैं, नई चीजें ट्राई करने वाले हैं। हालांकि वो चीजें कैसा आपको फल देंगी ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन कुछ नई चीज आप जो है जरूर ट्राई करने वाले हैं। आज के दिन पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो घर के मेल मेंबर से यानी कि पुरुषों से आपकी उतनी नहीं बनेगी, धर्म कर्म के कार्यों में ज्यादा रहेंगे, दान पुण्य के कार्यों में ज्यादा रहेंगे। आज के दिन महिलाओं पे गुस्सा करने से बचना है, साथ ही साथ आज का दिन छोटी दूरी की यात्रा आपके योग में है। महा उपाय जान लेते हैं, तो आज के दिन को खास बनाना चाहते हैं तो पीली दाल का दान करें। लकी कलर आपके लिए आज है व्हाइट। लकी नंबर की बात करूं है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कुंभ राशि वालों के लिए दिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट बनने वाले हैं, महत्वपूर्ण लोगों के जो है आप संपर्क में आएंगे। चंद्रमा आज आपकी मनस्थिति को टटोलने वाली है, यानी ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप जाने वाले हैं जहां मन बहुत ज्यादा भ्रमित हो सकता है। हाल ही में मंगल का गोचर हुआ है तो इसीलिए आपको अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। साथ ही साथ गाड़ी या बाइक वगैरह चलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, चोट लगने की दुर्घटना होने के चांसेस हैं। प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन में अच्छा आपका दिन गुजरेगा, लेकिन सेहत का भी ध्यान देने की जरूरत होगी। महा उपाय, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं दिन को तो करना क्या है, नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहा लीजिए। लकी कलर आपके लिए आज है व्हाइट। लकी नंबर की बात करूं है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। मीन राशि वालों को आज बहुत मजा आएगा काम करने में, लेकिन गलतियां भी हो सकती हैं। दिन के उत्तरार्ध में आपके काम को लेकर आपको टोका जा सकता है, तो थोड़ा बच के, थोड़ा संभल के जल्दबाजी में काम करने से बचिएगा। वहीं आज के दिन सेहत के मामले में पेट से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, धन का रखरखाव या बजटिंग करते नजर आएंगे। आज के दिन पारिवारिक जीवन की बात करें तो परिवार में आज आपकी जरूरत किसी को पड़ सकती है, फाइनेंशियली भी और साथ ही साथ
इमोशनली भी, तो लोगों को सपोर्ट करें, भाग्य के भरोसे आज ज्यादा कार्य ना करें। आपके लिए महा उपाय, दिन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, किसी भी मंदिर में आज के दिन आपको पीले रंग की चीज डोनेट करनी है, पीले फूल, पीले फल, पीली जो है आप मिठाइयाँ, पीले कपड़े, कुछ भी पीले रंग का डोनेट कीजिए। आपके लिए लकी कलर येलो ही है, लकी नंबर की बात करूं वो है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो जाना हमने कि आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आप जाते जाते आपके सवाल का जवाब देकर जाती हूं कि पंचक में किस दिशा में यात्रा नहीं करते हैं। हर महीने पंचक लगता है, जब भी पंचक हो तो याद रखिएगा कि पंचक में दक्षिण दिशा में यात्रा करने की मनाही होती है। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा हम सभी जानते हैं, इसे हम यम की दिशा कहते हैं, यमराज की दिशा कहते हैं, मृत्यु की दिशा कहते हैं। तो इसीलिए एक तो ये समय बड़ा अशुभ होता है, और इस दौरान जब आप इस दिशा में यात्रा करते हैं तो किसी भी अच्छे कार्य के लिए जब करने जाते हैं तो वो कार्य नहीं बन पाते हैं, या बहुत सारी और तरीके की आपको परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो इसीलिए आपको पंचक के दौरान दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचने की जरूरत होती है। तो मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, उम्मीद करते हुए ये जानकारियां, ये राशिफल आपको पसंद आता होगा। अपने सवाल, अपने जो भी आपकी निजी जीवन की समस्याएं हैं कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। मैं हर शाम 5 बजे धर्मा लाइव पर आती हूँ लेकर आपके लिए ढेर सारी जानकारियां। कल मिलते हैं, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।